आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का सिवनी जिला और सिवनी जिले में छपारा शहर में पुण्यसल्ला पैनगंगा की महाआरती का आगाज हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। दरअसल सिवनी मध्य प्रदेश में बहुत सारे सिवनी बनापुरा, सिवनी मालवा, सिवनी छपारा, सिवनी जो जिला सिवनी है उसे छपारा के नाम से जाना और पहचाना जाता है। पुण्यसलिला बैनगंगा का उद्गम सिवनी जिले में मुंडारा से हुआ है। मुंडारा से ये कुछ लंबा सफ़र तय करते हुए छपारा पहुंचती है। छपारा से कुछ आगे अगर जाते हैं तो वहाँ एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़ में एक जाकर ये बांध के रूप में एक बैनगंगा का जल एकत्र होता है। माँ बैनगंगा पुण्यसलिला कहलाती है और जिस तरह हरिद्वार और काशी में घाट पर आरती होती है, उसी तरह की आरती, उसी की एक परछाई के रूप में छपारा में लक्ष्मीनारायण गोल्डन टेंपल घाट पर महाआरती का आयोजन 23 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के अवसर पर किया गया। मोक्षदा एकादशी के अवसर पर माता बैनगंगा की महाआरती की गई। कितना सुंदर मनोरम दृश्य आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा और कितनी तादाद में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं माता की आरती के लिए। पुण्यसलिला माँ बैनगंगा की आरती के लिए यहाँ पर जो लोग जुटे हुए हैं और हर माह की एकादशी को ये प्रण लिया गया है कि हर माह की एकादशी को माता बैनगंगा की, पुण्यसलिला बैनगंगा की महाआरती का आयोजन छपारा में किया जाएगा। इस महाआयोजन में हजारों की तादाद में श्रद्धालु उपस्थित रहे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। हर माह एकादशी पर माँ बैनगंगा गोल्डन टेंपल घाट छपारा में महाआरती का आयोजन शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच किया जाएगा। वास्तव में बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है माता बैनगंगा का सिवनी में। सिवनी के अगर देखा जाए तो दक्षिण में मुंडारा से माता बैनगंगा उद्गमित हुई है और वहां से उद्गमित होने के बाद दक्षिण दिशा के बाद पश्चिम दिशा में छिंदवाड़ा रोड को क्रॉस करते हुए पहले लखनवाड़ा, फिर प्रतापपुर होते हुए फिर उत्तर दिशा में माता बैनगंगा छपारा पहुंचती हैं और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से माता बैनगंगा की महाआरती हो रही है और लोग कितना बढ़ चढ़ कर इसमें अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इस तरीके की महाआरती आपने काशी में देखी होगी, हरिद्वार में देखी होगी। इस तरीके की महाआरती वैसे कई बार संस्कारधानी जबलपुर में, ग्वारी घाट में आपने देखी होगी। माता नर्मदा की, पुण्यसलिला नर्मदा की भी इसी तरह से महाआरती होती है। महिलाओं के हाथ में दीपक आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ लोगों के द्वारा अपील की गई है कि जो भी दीपक लेकर आए वो आटे के दीपक लाए ताकि वो मछलियों के लिए भोजन बन सकें। दीपक जब उससे तेल खत्म हो, वे बुझें, तो आटा मछलियों के लिए, मछलियों का ग्रास बन सके। इसलिए अपील की है कि जो भी आए वो यहाँ पर आटे के दीपक लेकर आए। यहाँ आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा माता बैनगंगा की महाआरती। पहले आरती और अब देखिए दूसरी तरह की आरती यहाँ पर आपको होते हुए दिख रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। देखिए ये पुराना अंग्रेजों के समय का पुल आपको दिख रहा होगा। ब्रितानी हुकूमत के दौरान इस पुल को बनाया गया था। पुल जर्जर होने के बाद अब नया पुल बन गया है। नया पुल से आवागमन आरंभ कुछ सालों से हो गया। पुराना पुल अब छपारा शहर के आने जाने के लिए खोला हुआ है। देखिए आसमान कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और पीछे की तरफ आपको वृक्ष भी दिखाई दे रहे होंगे। कल कल बहता पानी भी यहाँ नजर आ रहा होगा। किस तादाद में यहाँ महिला, पुरुष, बच्चे, उम्रदराज लोग सभी आपको दिखाई दे रहे होंगे। विशेषकर महिलाओं की तादाद यहाँ देखते बन रही है।
आयोजकों के द्वारा अपील की गई है कि जिले भर के लोग एकादशी को शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच गोधूली बेला पर होने वाली इस महाआरती का लाभ जरूर उठाएं। गोधूली बेला, आज की युवा पीढ़ी शायद ही जानती हो गोधूली बेला किसे कहते हैं। दरअसल जब सूर्यास्त होने को होता है उस समय पहले, काफ़ी पहले, जब गांव की मवेशी थे वे चरने जाया करते थे, और जब भी गाय लौटा करती थी वर्दी में जाकर चरने जाती थी, और जब वर्दी लौटा करती थी तो गांव के आसपास उनके पैरों से धूल उड़ती हुई नजर आती थी, इसीलिए उसे गोधूली बेला कहा जाता था। ये महाआरती का हम आपको नज़ारा यहाँ दिखा रहे हैं। पुण्य सलिला छपारा मैम, पुण्य सलिला बैनगंगा का ये नज़ारा आप देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है। माता का आह्वान किया जा रहा है, माता बैनगंगा की आरती की जा रही है। पारंपरिक वेद मंत्रों के जरिए माता का आह्वान और माता की आरती यहाँ पर आपको दिख रही होगी। बच्चों की तादाद भी अच्छी खासी यहाँ नजर आ रही है, महिलाओं की तादाद भी अच्छी खासी नजर आ रही होगी। लोग वीडियो भी बना रहे हैं, इन क्षणों को अपने कैमरों में कैद करते नजर भी आ रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की छपारा से रिपोर्ट, सिवनी ब्यूरो से। सिर्फ इस पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए अशोक सोनी छपारा पहुंचे और उनके द्वारा इस महाआरती को कवर किया गया। अंग्रेजों के ज़माने का ये आपको यहाँ पर पुल भी दिखाई दे रहा होगा, बहुत पुराना पुल है ये, ब्रितानी हुकूमत के द्वारा इस पुल को बनाया गया था। आयोजकों ने अपील की है कि घर से एकादशी के दिन अपने घर से आटे के दिए लेकर आएं, बैनगंगा के घाटों को स्वच्छ रखें। एक मांग और आयोजकों के द्वारा की गई, छपारा शहर के लोगों के द्वारा लगातार ये मांग की जाती रही कि इस घाट को का जो पहुंच मार्ग है, उस पहुंच मार्ग पर शराब की दुकान है, यहाँ पर मछली मार्केट भी है, जिससे महिलाओं को आने जाने में बहुत परेशानी अनुभव होती है। कांग्रेस हो या भाजपा, सभी हुक्मरानों के द्वारा, सभी यहाँ पर कभी भी सांसद विधायक किसी के द्वारा भी इस मामले में सुध नहीं ली गई है, जो एक बहुत आश्चर्य का विषय मानी जा सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिला प्रशासन इस मामले में ध्यान जरूर देगा, और जो इस यहाँ पर गंदगी शराब दुकान और मछली बाजार के कारण होती है, उस गंदगी से भी निजात पुण्य सलिला को मिल सकेगी। देखिए यहाँ पर अर्पित किया गया नरियल। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये देखिए दिए यहाँ पर भी लगाए जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर मनोरम और धर्म से ओतप्रोत नज़ारा यहाँ पर नजर आ रहा है। अगली बार जब भी एकादशी हो आप जरूर जाएं और इस पुण्य लाभ इसका जरूर ग्रहण करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप उन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। अशोक सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।